हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एजुकेशनल वर्ल्ड अर्षद सर के साथ। आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड का टॉप 200 का एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है दोस्तों। इससे पहले मैंने पार्ट वन ऑलरेडी मैंने अपलोड किया, जिसमें 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन मैंने उसमें बताया है। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट टू का मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जो फॉर ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है दोस्तों, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर है, जो बैंकिंग, रेलवे, SSC, क्लर्क, नैलिट, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर एक्सेट्रा, सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिल जाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और शेयर जरूर करें दोस्तों अपने फ्रेंड्स को। सो लेट्स गो स्टार्ट नाउ। सबसे पहले 51 क्वेश्चन, यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर बाय वर्तनीय और व्याकरण संबंधित त्रुटि को पता लगा सकते हैं, जिसका ऑप्शन है प्रेस शिफ्ट प्लस F7, कंट्रोल प्लस F7, अल्ट प्लस F7 या सिर्फ F7। इसका सही ऑप्शन है F7 प्रेस करेंगे तो हमारा क्या होगा, स्पेलिंग एरर को हम लोग ठीक कर सकते हैं, यानी कि F7 इसका आंसर हमारा D हो जाएगा। ठीक है, 52 क्वेश्चन, हाउ कैन यू ब्रेक द करंट कॉलम, आप वर्तमान कॉलम को कैसे तोड़ सकते हैं, जिसका ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर, अल्ट प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस इंटर, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस इंटर। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर, यानी इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। कॉलम को ब्रेक करना है तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करते हैं, यानी 52 का आंसर ए हो जाएगा। 53 क्वेश्चन, हाउ कैन यू डिसेबल एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड, आप किसी बिस्तरीन चयन मोड को कैसे असम कर सकते हैं, जिसका ऑप्शन है F8 अगेन टू डिसेबल, डेल टू डिसेबल, एस्केप टू डिसेबल, इंटर टू डिसेबल। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेस एस्केप टू डिसेबल, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। 54 क्वेश्चन, टू इंस्ट्रक्ट वर्ड टू स्टॉप ब्लीडिंग पैराग्राफ डू एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, वर्ड को ब्लीडिंग पैराग्राफ को रोकने का निर्देश देने के लिए डैश को छोड़कर निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करें, जिसका ऑप्शन है प्रेस द इंटर की ट्विस्ट, क्लिक द अंडू बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, प्रेस द बैक स्पेस की टू रिमूव द बुलेट, क्लिक द बुलेट्स बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्लिक द अंडू बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, इसका सही ऑप्शन है, आप आंसर है दोस्तों, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 53, 54, 5 क्वेश्चन, विच ऑफ दिस टूल बार अलाउ टू द चेंजिंग ऑफ फॉन्ट एंड देयर साइजेस, इनमें से कौन सा टूल बार फॉन्ट और उनके आकार को बदलने के लिए अनुमति देता है, इसका ऑप्शन है स्टैंडर्ड, फॉर्मेटिंग, प्रिंट प्रीव्यू, नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग में हम लोग क्या करते हैं फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यानी इसको हम लोग इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन वगैरह ये सब कर सकते हैं इसके अंदर से, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 56 क्वेश्चन, टू व्यू ए हीडर एंड फुटर्स यू मस्ट स्विच टू, शीर्ष लेख और पद लेख देखने के लिए आपको स्विच करना होगा, जिसका ऑप्शन है नॉर्मल व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, प्रिंट प्रीव्यू मोड, बोथ बी एंड सी। इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी, यानी इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। 57 क्वेश्चन, द कंट्रोल प्लस सी यूज टू, कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग किया जाता है, जिसका ऑप्शन है कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट, कट द सिलेक्टेड टेक्स्ट, प्रिंट द सिलेक्टेड टेक्स्ट या पेस्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। जब तक किसी मैटर को हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे वो कॉपी नहीं हो पाएगा, यानी पहले सेलेक्ट करेंगे उसके बाद कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो हमारा कॉपी हो जाएगा, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। 58 क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस की यूज टू, कंट्रोल प्लस क्यू का प्रयोग किया जाता है, जिसका ऑप्शन है रिमूव द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग लाइन स्पेस एंड पैराग्राफ स्पेस, क्लोज वर्ड एप्लीकेशन विदाउट सेविंग डॉक्यूमेंट, प्रिंट होल डॉक्यूमेंट विदाउट कंफर्मेशन और डस नथिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग लाइन स्पेस एंड पैराग्राफ स्पेस, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। 59 क्वेश्चन, बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट अप्लाई ऑन डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन, किसी भी दस्तावेज पर लागू किया गया पृष्ठभूमि रंग यह प्रभाव दिखाई नहीं देता है, इसका ऑप्शन है वेब लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, रीडिंग व्यू या प्रिंट प्रीव्यू। इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रिंट प्रीव्यू में हमारा वो डॉक्यूमेंट का इफेक्ट दिखाई नहीं देता है, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा।
60 नंबर क्वेश्चन, शॉर्टकट कंट्रोल प्लस आर इज यूज्ड टू, शॉर्टकट कंट्रोल प्लस का प्रयोग किया जाता है जिसका ऑप्शन है री ओपन द लास्ट क्लोज डॉक्यूमेंट, री प्रिंट द लास्ट प्रिंटेड पेज, री अप्लाई द लास्ट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, राइट अलाइन द सिलेक्टेड पैराग्राफ, जिसका सही आंसर हो जाएगा राइट अलाइन द सिलेक्टेड पैराग्राफ, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। नंबर 61 क्वेश्चन, When word the flex the possible spelling or grammar error, it also change the mark on the spelling and grammar status icon to a dash. इसका जब वर्ड संभावित वर्तनी व्याकरण त्रुटि को चिन्हित करता है तो यह वर्तनी व्याकरण स्थिति आइकन पर निशान है में बदल देता है, जिसका ऑप्शन है ग्रीन एक्स, ग्रीन चेक मार्क, रेड एक्स, रेड चेक मार्क, जिसका सही आंसर हो जाएगा रेड एक्स। रेड एक्स क्या करता है, चिन्हित कर लेता है कि हमारा व्याकरण इरर है, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। 62 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल, निम्न से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है, जिसका ऑप्शन है बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, सुपर स्क्रिप्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट, जो होता है हमारा फॉन्ट स्टाइल नहीं है, पावर देने के लिए यूज करते हैं, सो होता है सुपर मतलब सबसे ऊपर में जो पावर देता है उसको हम लोग बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। 63 क्वेश्चन, द अदर कॉल एक्स आर द इंट एक्टिव व्हेन यू सिलेक्टेड थ्री कॉलम, हाउ विल एक्टिवेट दोस बॉक्सेस, जब आप थ्री कॉलम को चुनते हैं तो अन कॉलम हैच निष्क्रिय होते हैं, आप उन बॉक्सों में कैसे सक्रिय करेंगे, जिसका ऑप्शन है डबल क्लिक ऑन द स्पेसिंग, डबल क्लिक ऑन द इन एक्टिव कॉलम एक्स, रिमूव मार्क फ्रॉम द लाइन बिटवीन द चेक बॉक्स, रिमूव मार्क फ्रॉम द इक्वल द कॉलम विद चेक बॉक्स, इसका सही आंसर हो जाएगा रिमूव मार्क फ्रॉम इक्वल कॉलम विद द चेक बॉक्स, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। 64 क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सेस सेव कमांड, आप सेव कमांड को कहां से एक्सेस कर सकते हैं, जिसका ऑप्शन है होम टैब, इंसर्ट टैब, रिव्यू टैब, नन ऑफ अबव, इसका सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ अबव, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। 65 क्वेश्चन, हाउ कैन यू रिमूव टैब स्टॉप मार्कर फ्रॉम रूलर, आप रूलर से टैब स्टॉप मार्कर कैसे हटा सकते हैं, जिसका ऑप्शन है डबल क्लिक ऑन द मार्कर एंड चूज द क्लियर ऑल, ड्रैग द टैब स्टॉप मार्क कर आउट ऑफ द रूलर, राइट क्लिक द टैब स्टॉप मार्कर एंड चूज रिमूव ऑल ऑफ द अबव, जिसका सही आंसर हो जाएगा ट्रैक द टैब स्टॉप मार्कर आउट ऑफ द रूलर, यानी कि इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 66 क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस एम इज यूज टू, कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग किया जाता है, जिसका ऑप्शन है न्यू डॉक्यूमेंट, क्लोज क्लोज डॉक्यूमेंट, राइट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा लेफ्ट इंडेंट, यानी इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। 67 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ एमएस वर्ड स्क्रीन, निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड स्क्रीन के रूलर पे उपलब्ध नहीं है, जिसका ऑप्शन है टैब स्टॉप बॉक्स, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, सेंटर इंडेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा सेंटर इंडेंट, यानी इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा 67 का। 68 क्वेश्चन, इन वर्ड द डिफॉल्ट अलाइनमेंट पैराग्राफ इज, वर्ड में पैराग्राफ के लिए डिफॉल्ट संरेखन है, इसका ऑप्शन है लेफ्ट अलाइन और प्लस मार्जिन एट द लेफ्ट एज एंड द अनइवन एज एट द राइट एज, सेंटर और इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बोथ द लेफ्ट एज एंड द राइट एज, राइट अलाइन और प्लस मार्जिन एट द राइट एज एंड द अनइवन एजेस एट द लेफ्ट एजेस, जस्टिफाई और प्लस मार्जिन एट द बोथ द लेफ्ट एंड राइट एजेस, इसका सही आंसर हो जाएगा लेफ्ट अलाइन और प्लस मार्जिन एट द लेफ्ट एजेस एंड द अनइवन एजेस एट द राइट एजेस, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। 69 क्वेश्चन, इन एमएस वर्ड कंट्रोल प्लस एज इज यूज्ड टू, एमएस वर्ड में कंट्रोल एज का उपयोग टास्क के लिए किया जाता है, जिसका ऑप्शन है सिनारियो के लिए, एक्सरसाइज के लिए, शेप के लिए, स्पेलिंग चेक के लिए, इसका सही आंसर हो जाएगा शेप के लिए, कंट्रोल प्लस एज का हम लोग किसको यूज करते हैं, शेप करने के लिए, ठीक है, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इज यूज्ड टू, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का प्रयोग किया जाता है, जिसका ऑप्शन है सेव एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट, सेव एंड क्लोज वर्ड एप्लीकेशन, सेव एंड क्लोज डॉक्यूमेंट, विदाउट सेव क्लोज डॉक्यूमेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा
सेव एंड क्लोज डॉक्यूमेंट, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। 71 क्वेश्चन, द की F12 ओपन्स ए, कुंजी F12 एक खोलती है, सेव एज डायलॉग बॉक्स, ओपन द डायलॉग बॉक्स, सेव डायलॉग बॉक्स, क्लोज द डायलॉग बॉक्स, इसका सही आंसर हो जाएगा सेव एज ए डायलॉग बॉक्स, यानी कि हम जो एक ही डॉक्यूमेंट को दूसरे नाम सेव करना चाहते हैं तो हम लोग सेव एज डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, यानी कि F12 प्रेस करके सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, वहां से हम लोग दूसरा नाम देख के सेव कर सकते हैं, ठीक है, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। 72 क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस आई इज यूज टू, कंट्रोल प्लस आई का प्रयोग किया जाता है इटैलिक के लिए, लेफ्ट के लिए, लेफ्ट हैंड के लिए, सेव डॉक्यूमेंट, क्लोज डॉक्यूमेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस आई कहाँ किया जाता है, इटैलिक के लिए, तिरछा लिखने के लिए हम लोग करते हैं इसका, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। 73 क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस एस इज यूज टू, कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग किया जाता है जिसका ऑप्शन है सेव द डॉक्यूमेंट विद डिफरेंट नेम, सेव द डॉक्यूमेंट विद सेम नेम, सेव द डॉक्यूमेंट एंड क्लोज वर्ड एप्लीकेशन, सेव द डॉक्यूमेंट एंड प्रिंट होल पेजेस, जिसका सही आंसर हो जाएगा सेव द डॉक्यूमेंट विद द सेम नेम, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 74 क्वेश्चन, इफ यू विल बी डिस्प्लेइंग ऑन प्रिंटिंग योर डॉक्यूमेंट ऑन अनदर कंप्यूटर, यू विल वांट टू मेक श्योर एंड सेलेक्ट द डैश ऑप्शन अंडर द सेव टैब, यदि आप अपने दस्तावेज को किसी अन्य कंप्यूटर पर प्रदर्शित करते या प्रिंट कर रहे हैं तो आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे और सहेजे टैब के अंतर्गत विकल्प का चयन करेंगे, इसका ऑप्शन है एम्बेड फॉन्ट्स, एम्बेड ट्रू द टैब फॉन्ट्स, सेव ट्रू टैब फॉन्ट्स, सेव फॉन्ट्स, इसका सही आंसर हो जाएगा एम्बेड फॉन्ट्स, ठीक है, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। 75 क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस जे यूज टू, कंट्रोल प्लस जे का प्रयोग किया जाता है अलाइनमेंट जस्टिफाई, इंसर्ट हाइपरलिंक, सर्च, प्रिंट, जिसका सही आंसर हो जाएगा अलाइनमेंट जस्टिफाई के लिए किया जाता है, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। 76 क्वेश्चन, व्हाट इज द पोर्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन विच यू सेट सर्टेन पेजेस फॉर्मेटिंग ऑप्शन, किसी दस्तावेज का वह भाग क्या है जिसमें आप कुछ पृष्ठ फॉर्मेटिंग विकल्प सेट करते हैं, जिसका ऑप्शन है पेज, डॉक्यूमेंट, सेक्शन, पेज सेटअप, इसका सही आंसर हो जाएगा सेक्शन, सेक्शन में लोग जाके क्या करते हैं पोर्ट्रेट को हम लोग चेंज करते हैं, यानी कि पोर्ट्रेट को पोर्शन को हम लोग चेंज कर सकते हैं, जो भी चाहते हैं मार्जिन वगैरह चेंज करना चाहते हैं आसानी से वहां पर चेंज कर सकते हैं, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। 77 क्वेश्चन, हाउ कैन यू अप्लाई द एग्जैक्टली द सेम फॉर्मेटिंग यू डिड टू अनदर टेक्स्ट, आप बिल्कुल वही फॉर्मेटिंग कैसे लागू कर सकते हैं जो आपने किसी अन्य टेक्स्ट पे किया था, इसका ऑप्शन है कॉपी द टेक्स्ट एंड पेस्ट इन द न्यू लोकेशन, देन टैप द न्यू टेक्स्ट अगेन, कॉपी द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन द पेस्ट स्पेशल टूल ऑन द न्यू प्लेस, सेलेक्ट द टेक्स्ट इन, देन क्लिक ऑन द फॉर्मेटिंग प्रिंटर एंड द सेलेक्ट द न्यू टेक्स्ट, ऑल ऑफ द अबव, जिसका सही आंसर हो जाएगा सेलेक्ट द टेक्स्ट देन क्लिक ऑन द फॉर्मेट प्रिंटर एंड सेलेक्ट द न्यू टेक्स्ट, फॉर्मेट प्रिंटर जो होता है एक ही स्टाइल को कॉपी करने का काम करता है, यानी इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। 78 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लॉ इज नॉट वन ऑफ द थ्री मेल मर्ज हेल्पर स्टेप, निम्न से कौन सा तीन मेल मर्ज हेल्पर चरणों में से नहीं है, जिसका ऑप्शन है मर्ज द टू फाइल्स, क्रिएट द मेन डॉक्यूमेंट, सेट द मेलिंग लिस्ट पैरामीटर, क्रिएट द डाटा सोर्स, जिसका सही आंसर हो जाएगा सेट द मेलिंग लिस्ट पैरामीटर, ठीक है, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। 79 क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्ट की फॉर द मैनुअल लाइन ब्रेक, मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है, कंट्रोल प्लस इंटर, अल्ट प्लस इंटर, शिफ्ट प्लस इंटर, स्पेस इंटर, स्पेस प्लस इंटर, इसका आंसर हो जाएगा कंसेप्ट प्लस इंटर प्रेस करेगा तो हम लोग क्या करते हैं लाइन ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। नंबर 80 नंबर क्वेश्चन, विच की शुड बी द प्रेस द टू स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए कौन सी कुंजी दबानी चाहिए, इसका ऑप्शन है डाउन कर्सर की, इंटर की, शिफ्ट प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस इंटर, इसका सही आंसर हो जाएगा इंटर की प्रेस करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं न्यू पैराग्राफ में चले जाएंगे, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 81 क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्ट की टू द डिस्प्ले द फील्ड कोऑर्डिनेट्स, फील्ड कोऑर्डिनेट्स प्रदर्शित करने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है, जिसका ऑप्शन है अल्ट प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9, शिफ्ट प्लस F9, स्पेस प्लस F9, इसका सही आंसर हो जाएगा अल्ट प्लस F9 प्रेस करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं डिस्प्ले द फील्ड कोऑर्डिनेट्स को हम लोग देख सकते हैं, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। 82 क्वेश्चन, प्लेस टू क्रिएट ए लाइन ब्रेक विच advances the insertion point to the beginning of the text next physical line ignoring and the paragraph formatting instruction,
लाइन ब्रेक बनाने के लिए डैश दबाए जो सम्मिलित बिंदु को अगली भौतिक लाइन की शुरुआत तक ले जाता है किसी भी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग निर्देशों को अनदेखा करते हुए। इसका ऑप्शन है शिफ्ट प्लस इंटर, कंट्रोल इंटर, शिफ्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब। इसका सही आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करके हम लोग पैराग्राफ बनाने कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। 83 क्वेश्चन। ए वर्ड फील्ड में बी कंसिस्ट ऑफ एन ऑप्शनल फील्ड इंस्ट्रक्शन कॉल्ड एंड डैश। इस शब्द फील्ड में एक वैकल्पिक फील्ड निर्देश शामिल हो सकता है जिसे कहा जाता है। जिसका ऑप्शन है सब डॉक्यूमेंट, सिंबल, सिग्नल, स्विच। इसका सही आंसर हो जाएगा स्विच। स्विच हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। 84 क्वेश्चन। एसेंशियल बिजनेस लेटर एलिमेंट इंक्लूडेड द आवश्यक व्यवसायिक पत्र तत्वों में शामिल है। जिसका ऑप्शन है डेट लाइन एंड इंसर्ट एड्रेस मैसेज सिग्नेचर ब्लॉक ऑल ऑफ द एबव। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी सारा तीनों चीज होता है यहाँ पर। डेटन लाइन डेटन इंसर्ट एड्रेस भी होता है, मैसेज भी होता है, सिग्नेचर ब्लॉक भी होता है, यानी कि इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। 85 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू द रिड्यूस स्पेलिंग एरर इन द डॉक्यूमेंट। निम्न से कौन सा दस्तावेज वर्तनी त्रुटि को कम करने में मदद करता है। जिसका ऑप्शन है ऑटो फॉर्मेट, ऑटो करेक्ट, स्मार्ट टैक्स, ऑटो टैक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑटो करेक्ट, यानी इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 86 क्वेश्चन। इट इज पॉसिबल टू ए डेटा सोर्स बिफोर ए परफॉर्मिंग ए मर्ज। मर्ज करने से पहले डेटा स्रोत को डैश करना संभव है। जिसका ऑप्शन है क्रिएट, मॉडिफाई, सॉर्ट, ऑल ऑफ द एबव। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी क्रिएट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, सॉर्ट भी कर सकते हैं। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। 87 क्वेश्चन। वर्ड हैज वेब ऑर्डरिंग टूल्स अलाउ यू टू द इनकॉर्पोरेट डैश ऑन वेब पेजेस। वर्ड में वेब संलेखन उपकरण को आपको वेब पेजों पर डैश को शामिल करने की अनुमति देते हैं। जिसका आंसर है ऑप्शन है आपका बुलेट्स, हाइपरलिंक, साउंड्स, ऑल ऑफ द एबव। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी बुलेट्स का भी यूज कर सकते हैं, हाइपरलिंक का भी कर सकते हैं, साउंड का भी कर सकते हैं। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। 88 क्वेश्चन। व्हेन टाइपिंग इन प्रीति फॉन्ट ऑल द ओकर्स टर्न टू द समथिंग इज व्हाट इज द कॉज। प्रीति फॉन्ट में टाइप करते समय सभी ओकार किसी और चीज की ओर मुड़ जाते हैं, कारण क्या है। जिसका ऑप्शन है ऑटो टेक्स्ट, ऑटो करेक्ट, स्पेलर, प्रीति फॉन्ट डज नॉट वर्क विद द वर्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट जब हम लोग कुछ गलत लिखते हैं तो ऑटो करेक्ट ऑटोमेटिक सही करता है। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 89 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड शुड यू ऑलवेज यूज बिफोर सबमिटिंग ए डॉक्यूमेंट टू अदर्स। दूसरों को दस्तावेज सबमिट करने से पहले आपको हमेशा निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग करना चाहिए। जिसका ऑप्शन है फाइंड कमांड, रिप्लेस कमांड, स्पेलिंग एंड ग्रामर, थ्रेजर्स। इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर। इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि जब भी हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो वो गलत होता है तो हम लोग क्या करते हैं स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ करते हैं। इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। क्षैतिज स्क्रॉल बार के बाईं ओर क्या रखा जाता है, रखा गया है। जिसका ऑप्शन है टैब स्टॉप बटन, व्यू अप बटन, स्पेलिट बटन, इंडिकेटर्स। इसका सही आंसर हो जाएगा व्यू बटन, यानी व्यू देखे बटन को, यानी इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 91 क्वेश्चन। इंसर्ट डेट फॉर्मेट पेज नंबर एंड इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट आर बटन्स ऑन द डैश टूल बार। सम्मिलित तिथि प्रारूप पृष्ठ संख्या और सम्मिलित ऑटो टेक्स्ट डैश टूल बार पर बटन है। इसका ऑप्शन है फॉर्मेटिंग, हिडन एंड फुटर, स्टैंडर्ड एडिट। इसका सही आंसर हो जाएगा हिडन एंड फुटर, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 92 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू यूज टू चेंज मार्जिन। मार्जिन बदलने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। जिसका ऑप्शन है फॉर्मेटिंग टूल बार, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, स्टैंडर्ड टूल बार, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में लोग मार्जिन सेट करते हैं, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 93 क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू ईमेल ए वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम विद इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के भीतर किसी वर्ड को वर्ड दस्तावेज को ईमेल करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है। जिसका ऑप्शन क्या है ऑफिस बटन में जाकर सेंड टू मेल रिसीव करना पड़ता है,
you save the files and email attachment. You start Outlook and attach the file will open in Word. This is an impossible operation. इसका सही आंसर हो जाएगा ऑफिस बटन में जाकर सेंड टू मेल रिसिपिएंट करना पड़ता है, यानी मेल प्राप्तकर्ता करना पड़ता है, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 94 क्वेश्चन, ए स्क्रीन एलिमेंट ऑफ एमएस वर्ड दैट इज यूजुअली लोकेट बिलो द टाइटल वर्ड दैट द फॉरवर्ड द कैटेगराइज्ड ऑप्शन इज। एमएस वर्ड का एक स्क्रीन तत्व को आमतौर पर टाइटल वर्ड के नीचे स्थित होता है जो वर्गीकृत विकल्प प्रदान करता है, जिसका ऑप्शन है मेनू बार, टूल बार, स्टेटस बार, ऑल ऑफ द अबव। जिसका सही आंसर हो जाएगा मेनू बार। मेनू बार में हम लोग जाके वहां पे, ठीक है, यूज कर सकते हैं, कैटेगराइज यूज कर सकते हैं, बहुत से वहां पे कैटेगराइज दिया जाता है, जिस ऑप्शन का आपको चाहिए उस ऑप्शन पे जाके हम यूज कर सकते हैं। इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। 95 क्वेश्चन, इन व्हाट 2007 जूम इज प्लेस ऑन, व्हाट 2007 में जूम ऑन रखा गया है, व्यू टैब में, होम टैब में, स्टेटस बार में, ए एन सी बोथ। इसका सही आंसर रहेगा ए एन सी, यानी व्यू टैब में भी होता था और उसका स्टेटस बार में भी होता था, यानी इसका आंसर हमारा टी हो जाएगा। 96 क्वेश्चन, द डैश इज ए शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेटिंग द कंक्लूजन ऑफ ए डॉक्यूमेंट। ए डैश एक छोटी क्षैतिज रेखा है जो दस्तावेज के डिस्कस को दर्शाती है, जिसका ऑप्शन है स्टेटस पॉइंट, इन मार्क, स्टेटस इंडिकेटर, स्क्रॉल बॉक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा इन मार्क, इनका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 97 क्वेश्चन, ए स्मॉल स्क्वायर्स कॉल्ड ऑन द सिलेक्शन रेक्टेंगल दैट द सराउंड्स एंड ग्राफिक्स कैन बी यूज टू द चेंज द डिमेंशन ऑफ द ग्राफिक। डिस्कस ग्राफिक कैन को घेरने वाले चैन आयत पर छोटे वर्ग जिन्हें डैश कहा जाता है, हैंगिंग हैग्राफिक के आयाम बदलने के लिए उपयोग किया जाएगा। इसका ऑप्शन है स्क्रॉल बॉक्सेस, साइजिंग हैंडलेस, स्टेटस इंडिकेटर्स, मूव हैंडलेस। इसका सही आंसर हो जाएगा साइजिंग हैंडलेस, ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 98 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइज इन एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में निम्नलिखित से कौन सा वैध न्यूनतम अधिकतम जूम आकार है, मतलब कि मिनिमम मैक्सिमम जूम साइजेस कितने होते हैं। तो इसका ऑप्शन है 10, 100, 20, 250, 10, 500, 10, 1000। इसका सही आंसर हो जाएगा 10, 500, यानी कि इसका मिनिमम कितना होगा 10 और मैक्सिमम कितना जूम होगा 500 तक। इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। 99 क्वेश्चन, यू कैन रिप्लेस द टेक्स्ट, आप टेक्स्ट को डैश से बदल सकते हैं, जिसका ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस आर, रिप्लेस फ्रॉम द एडिट मेनू, फॉर बोथ ए एंड सी। इसका सही आंसर रहेगा बोथ ए एंड सी, यानी कि कंट्रोल प्लस एच भी प्रेस करेंगे तो वही डायलॉग बॉक्स हो जाएगा और इसका ऑप्शन एडिट मेनू में जाके भी रिप्लेस ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए एंड सी हो जाएगा, इसका आंसर हमारा डी है। 100 नंबर क्वेश्चन, टू अपडेट ए फॉर्मूला इन टेबल प्लेस द, किसी तालिका में किसी सूत्र को अद्यतन करने के लिए दबाएं, F9 कीज, Alt प्लस F9 कीज, Shift प्लस F9 कीज, F8 कीज। जिसका सही आंसर हो जाएगा F9 कीज करके हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूला को अपडेट कर सकते हैं। इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस तरह से मैंने 51 से लेकर 100 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया है। अगर आप इससे पहले 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो मेरे प्ले एस एजुकेशनल वर्ल्ड के चैनल पे जाकर वहाँ पे आपका एमसीक्यू रिलेटेड ऑलरेडी को टॉपिक वाइज कंप्यूटर टॉपिक वाइज वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, 1 से लेकर जो 5 तक आप नहीं 50 तक आप नहीं देखे हैं उसे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाकर देख लीजिएगा, जो एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिल जाए। इस तरह चैनल देखने के लिए इस एजुकेशनल चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल, थैंक यू दोस्तों।